अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगी। यह जी गोल्ड का चार्ट, कल गोल्ड ने ट्राई की 2350 के आसपास अप्रोच करने की, बट 2347 के आसपास से गोल्ड प्राइसेस में हमें सेलिंग नज़र आई। 2350 का जो लेवल था वो हमारा इंटरडे रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि आप कह सकते हैं कि वेल होल्ड रहा, और वहाँ से प्राइसेस तकरीबन 2321 के आसपास के लो बना चुकी हैं। ओवरऑल कल जो था मार्केट, वो आप कह सकते हैं कि एक रेंज में ट्रेड करती रही, काफ़ी चौपी बिहेवियर के साथ, क्योंकि मार्केट इज़ फोकसिंग नाउ ऑन टुमारो इवेंट FOMC, यानी कि फेड मीटिंग पर मार्केट का फोकस जो है वो शिफ्ट हो चुका है, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि गोल्ड में एक जो है वो क्लियर डायरेक्शन आपको मिल सकती है। तो फेड के इवेंट को हमने वीकली वीडियो में भी डिस्कस किया है, मज़ीद अब कल की जो इंट्राडे वीडियो होगी उसमें फिर हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले आज कौन से डेटा हैं जिनसे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं, वो हम कैलेंडर पर देख लेते हैं, उसको इम्पैक्ट को भी देख लेते हैं। यह है जी Tuesday April 30। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स थे जो वीकर साइड पर आए हैं, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड भी अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। इसके बाद यूरो के कोर CPI और CPI नंबर्स हैं, US का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, शिकागो PMI हैं और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स अगर हायर साइड पर आएँ यानी बढ़कर आएँ तो गोल्ड के लिए नेगेटिव तसव्वुर किए जाते हैं, और अगर डिक्रीज होकर आएँ यानी लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव तसव्वुर किए जाते हैं। मज़ीद डेटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूँगा। तो गोल्ड इस वक्त 2323 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपना जो स्पोर्ट एरिया है 2320-2318 के आसपास, उसको आप कह सकते हैं कि टेस्ट कर रहा है, तो तकरीबन वीक जोन में ही है फिलहाल। आज का इंट्राडे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल दिए गए होते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। आज का रेजिस्टेंस है जी 2343 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2343 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2352 और 2362 तक फिर जा सकता है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा 2315 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2315 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2310, 2300 और 2290 के फिर लो आपको दिखा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तकरीबन वीक है, 2320 के नीचे मज़ीद आपको कन्फर्म हो जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पर वीक ही लिख रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल ट्रेंड इसका वीक ही नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानब। सिल्वर भी तकरीबन 2670 के आसपास के लो बनाकर 2680 के आसपास ट्रेड कर रही है, ये भी वीक जोन में ही है जी। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 2725 का, सपोर्ट है हमारा आज का 2655 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं जी US आयल की जानब। ये है जी क्रूड आयल, कल तकरीबन ये 84 के आसपास तक आप कह सकते हैं कि चला गया था, लेकिन वहाँ के बाद एक अच्छी क्रैश हुआ है प्राइसेस, और 82.20 के लो बनाने के बाद 82.30 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। तो आज के लेवल चेंज हो चुके हैं, 84.40 की जगह 23.40 का रेजिस्टेंस है आज, और सपोर्ट है 81.05 का। ये इसको आप 83.45 कर लें। 83.45 का रेजिस्टेंस है, 81.05 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो दोबारा से 700 के नीचे जो है वो डिप कर रहा है, तो आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 755 का, 755 का रेजिस्टेंस है, अलबत्ता सपोर्ट जो है वो सेम है। ट्रेंड अभी इसका फ्लैट बना हुआ है, अगर हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक करता है तो फिर इसको मैं
वीक जोन में आप कह सकते हैं कि प्रेफर करूंगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानेब। ब्रिटिश पाउंड 25-30 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो कल 25-80 का रेजिस्टेंस था, 25-70 की इसने हाई बनाए। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्रा डे के लिहाज से पॉजिटिव ही है, तो आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। माइनर सा चेंज है, 25-90 का रेजिस्टेंस है, 24-20 का सपोर्ट है। ठीक है जी, यानी ये वाला एरिया। ठीक है जी, इसके नीचे अगर ये ड्रिफ्ट करता है तो फिर सॉरी 25-20 का सपोर्ट है, माफ कीजिएगा 25-20। 25-20 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 24-90 और 24-70 की तरफ जा सकता है। तो 24-20 के ऊपर जो है इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानेब। माजरत, ये मेरे जरा अपने कुछ लेवल लगे हुए हैं। ठीक है जी, तो 156-80 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसमें जो वोलेटिलिटी है वो आपको मिलती रहेगी मजीद भी, तो काफी आप कह सकते हैं कि कॉशियस होकर इसमें ट्रेड कीजिएगा। 158.05 का रेजिस्टेंस है, 155.50 का सपोर्ट है। ट्रेंड अभी इसके इंटर डे के लिहाज से पॉजिटिव, लेकिन इसमें ख्याल कीजिएगा, इसमें अच्छे मूव आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपने इसमें ख्याल करना है। यह है जी NZD, काफ़ी इसमें वीकनेस नज़र आ रही है, क्योंकि इसका जो आज बिजनेस कॉन्फिडेंस का डाटा था वो जो है वीक साइड पर आया है, तो उस वजह से इसमें हमें जो है वो वीकनेस नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा वो हम देख लेते हैं जी। NZD में आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 59.80 का, सपोर्ट है 59.20 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक, 59.20 के नीचे 59.05 और 58.90 तक फिर मजीद जो है वो प्राइसेस जा सकती हैं। अब हम चलते हैं जी ऑर्ड की तरफ। यह है जी ऑर्ड, इसके भी आज जो रिटेल सेल्स नंबर्स हैं वो वीकर साइड पर आए हैं, जिसकी वजह से इसमें भी आपको वीकनेस नज़र आ रही होगी, तो इसमें आज क्या लेवल है वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है 65.70 का, सपोर्ट है 64.90 का। ट्रेंड हो चुका है इंटर डे के लिहाज से इसका वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।